श्रोता हूँ, आजकल समय चल रहा है एग्जाम्स का, और उसके बाद एडमिशंस, और फिर एक सवाल सभी के सामने, स्कूल कौन सा चुना जाए, कौन से टीचर्स बेहतर हैं, क्या प्रोसेस होना चाहिए स्कूल का। तो इन सब सवालों के जवाबों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं हिसार के एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल हरिपाल पिलानिया जी और कोऑर्डिनेटर नीलम पिलानिया जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एजुकेशन है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली। एजुकेशन है क्या, ये बहुत विस्तृत है। बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए तैयार करना भी एजुकेशन है, इसके अलावा उसको पूरी लाइफ स्किल के लिए तैयार करना भी एजुकेशन है। क्या प्रोसेस होता है एजुकेशन का? जब हम कोई स्कूल चुनते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? बहुत सारे स्कूल्स में शुरुआत से पहाड़े याद करवाते हैं, कहीं पर क ख से शुरुआत होती है, कहीं पर ABC, वो पूरे एक सेशन में सारा A to Z करवा देते हैं। तो क्या प्रोसेस क्या है एजुकेशन का? एक्चुअल प्रोसेस एजुकेशन का, जैसे डेवलप कंट्रीज का हम एग्जांपल लेते हैं जी, 6 साल तक वो बच्चों को, जिसको हम एकेडमिक्स बोलते हैं, पढ़ाना बोलते हैं, वो शुरू भी नहीं करते। 2-2.5 साल के बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, और 4 साल तक तकरीबन वो एक काम करते हैं, सिर्फ गेम, खेल। प्रोसेस ऐसे शुरू होता है, LSRW एक टर्म यूज होती है, जो BEd करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जी। और आप भी इसके गवाह होंगे, हमारे सिस्टम में शुरू होता है राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। सच तो ये है कि ये चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है हमारा सिस्टम, क्योंकि लिखना बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। उसकी फाइन मोटर अभी डेवलप नहीं हुई है, 3 साल के, 3.5 साल को, इवन 4.5 साल से पहले बच्चे को पेंसिल देना उसके साथ एक अन्याय करने जैसा है। उसके लिए बहुत वो टॉर्चर वर्ड बेसिक में यूज कर सकता हूँ, इट्स लाइक ए टॉर्चर। राइट एज क्या है सर स्कूलिंग की? स्कूल बच्चों कब भेजा जाए? फॉर्मल स्कूलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल की एज रखी है, दैट मीन्स फर्स्ट ग्रेड में बच्चा 6 साल का हो तब स्कूल आए। उसूलन तो होना ये चाहिए कि 6 साल के बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए जी, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और बहुत सारे और कारण हैं, उसको घर में रखे कौन और कैसे रखें बच्चे को 6 साल तक। तो उसका सब्स्टिट्यूट जो डेवलप हुआ था, प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट इसी चीज़ के लिए आया था कि बच्चा यहाँ पे 2 साल का, 2.5 साल का, 2.25 साल का आना शुरू हो जाए। लेकिन उसके साथ ये होना चाहिए था, और शर्त ये थी, डेवलप कंट्रीज में आज भी ये है, वो 6 साल तक बच्चे को, मैंने पहले बताया, सिर्फ खिलाते हैं। उन गेम्स के जरिए, बहुत से गेम्स के जरिए बच्चे में पेशेंस डेवलप होता है, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, लॉजिकल थिंकिंग है उसकी, ऑब्जर्वेशन है, लिसनिंग स्किल्स हैं, और आपका कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे इनकाउंटर करना है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे रोड पार करना पहले सिखाते हैं और अल्फाबेट बाद में सिखाते हैं। पर सर, मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चा पहले जाके सीख भी जाए जी, तो समस्या क्या है? समस्या इसकी आनंद जी ये है कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट का फेस है, यदि वह उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल देते हैं तो वो हैम्पर होती है उसकी जो डेवलपमेंट है ब्रेन की। आप इसको मोटे तौर पे ये समझें कि यदि हम एक 2 GB की मेमोरी कार्ड बच्चे का ब्रेन का डेवलप कर पाए, जबकि पॉसिबिलिटी 2000 GB के मेमोरी कार्ड की भी थी। 7 साल से पहले हम मेमोरी तो डेवलप कर सकते हैं बच्चे की, 7 साल के बाद बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप हम नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन तो आज और हम आप भी सीख रहे हैं। इसे एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझाइए, मैं समझ नहीं पाया इस बात को जी, कि अगर वो ज्यादा सीख रहा है जी तो क्या समस्याएं हो सकती हैं उसके जीवन में? बच्चा ज्यादा सीख नहीं सकता, सीखना नहीं चाह रहा है, उसको सिखाया जा रहा है। 2 चीजें हैं, एक तो वो खुद सवाल पूछ पूछ के सीख रहा है कि मैं ये क्या है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एडमिशन के लिए 2.5 साल के बच्चे को जैसे लेके आते हैं काफी पेरेंट्स जी, तो आते ही सबसे पहले ये प्रूव करते हैं कि देखो मेरे बच्चे को सारे कलर आते हैं, ठीक है, बलून्स देते हैं, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। 10 में से 9 बच्चे अक्सर गलत जवाब देते हैं। मैं उस बच्चे की उसको समझ सकता हूँ कि क्योंकि उसको नहीं आने चाहिए वो सारे कलर्स इस एज में, क्योंकि उसको मेमोरी अभी डेवलपिंग फेज में, मेमोरी अभी डेवलप हुई नहीं है। इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ वो भूल जाता है, कुछ याद रहती है, वो एक प्रोसेस चलता रहता है। तो आप चलना सीख रहा है बच्चा, आप ये लगा लो कि चलना सीख रहा है, कभी गिर जाता है, कभी क्रॉलिंग कर रहा है, कभी ये है, वो प्रॉपर अभी चलने के फेस में आया नहीं है, और हम चाह रहे हैं कार ड्राइव कर ले। हाँ, वो कार ड्राइव कर ले शायद। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये बात क्यों करते हैं, वो क्यों कार चलवाना चाहते हैं बच्चों से? मुझे लगता है कि वो अपने बच्चों को ना टेम बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स के पास, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनके पास टाइम नहीं है, कॉम्पिटिशन से है, और क्योंकि बच्चा घर में रहेगा, कम पढ़ेगा तो वो खेलेगा ज्यादा, तो मम्मी डिस्टर्ब होगी। तो वो ज्यादा सीखे, ज्यादा पढ़े, ज्यादा देर तक वो बुक्स के साथ रहे,
तो उनको एक्चुअली खिला हुआ बच्चा नहीं चाहिए, एक टेम बच्चा चाहिए। और इससे उनको इस चीज के साथ जोड़ दिया कि मेरा बच्चा ज्यादा सीख रहा है। अच्छा, एक और बात वो करूंगा कि बच्चे जो है पढ़ाई से भागते हैं आजकल, क्या कारण है कि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चों का आजकल? आजकल ना हमारे घर में दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं जी। जब हम आप थे, आपके घर में टीवी था बट वो इतने ज्यादा चैनल्स, वो इतना बड़ा दुश्मन नहीं था आपका। आपके फ्रेंड्स थे जिनके साथ आप बाहर खेलते थे और डिस्कस करते थे। मोबाइल्स अभी हुए हैं तो जो ये बच्चों के दुश्मन है, मोबाइल्स हैं, टैब हैं, कंप्यूटर्स हैं और टीवी है, ये इतने सारे दुश्मन, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस उनको पढ़ने नहीं देते। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा वीडियो गेम खेल रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट है। क्या वाकई ऐसा है कि अगर मेरा बेटा बहुत अच्छा वीडियो गेम खेल रहा है, वो कार बड़ी तेज भगा रहा है, तो वहां भी कोई स्किल उसकी डेवलप हो रही है? या इसमें आनंद जी ऐसा है, दो ब्रेन है हमारी साइकोलॉजी बताती है, एक लेफ्ट ब्रेन है एक राइट ब्रेन है जी। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक्स के लिए जाना जाता है, साइंस, लॉजिकल, मैथ्स। तो हमारे साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जब बच्चा वीडियो गेम खेलता है तो 10% फायदा होता है, जो लेफ्ट ब्रेन है उसको फायदा होता है इस चीज का। ठीक है, पेरेंट्स, ज्यादातर पेरेंट्स हैं उनको ये पता है कि हाँ फायदा होता है, वो 10% है जी। लेकिन जो राइट ब्रेन है वो इमेजिनेटिव है, जितने इन्वेंशंस हुए हैं आज तक साइंस के वो सारे राइट ब्रेन ने किए हैं। जितनी पोइट्री है, जितना लिटरेचर है, जितना म्यूजिक है, जो चीजें कोई नई अचीव की गई हैं वो सारी की सारी राइट ब्रेन ने की जी। तो वीडियो गेम खेलने से या स्क्रीन के बहुत ज्यादा एक्सपोजर से बच्चे के जो राइट ब्रेन है उसके डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। और वो जैसे जैसे उसकी लत लगती जाती है, वो बच्चे की जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो खत्म होती चले जाएगी, जो इमेजिनेशन। तो आप ये समझे मोटे तौर पे कि 10% फायदा और 90% नुकसान किसी चीज का हो तो कुल मिला के घाटों का सौदा। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन का पर्पस क्या है, मतलब हम क्यों स्कूल भेजते हैं, क्या उसे सीखना चाहिए? मुझे लगता है जैसे उसको समाज का सामना भी तो करना है, कमाना भी तो है जी, उन स्किल्स के लिए। और रीडिंग राइटिंग वो स्टार्टिंग है, उसके बाद गुड ह्यूमन बीइंग। ब्रॉडली स्पीक स्किल्स की बात करें तो उसमें लैंग्वेज स्किल है, फिर उसमें आगे कम्युनिकेशन हो जाएगा, उसका एक पार्ट रहेगा। सोशल स्किल्स है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करता है, कल को शादी हो जाएगी तो अपने बीवी से कैसे बात करता है, ठीक है, बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, दैट इज सोशल स्किल्स उसमें है। उसके अलावा कॉग्निटिव स्किल्स, जैसे कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसमें वो कैसे डिसीजन लेता है, उसको डिसीजन मेकिंग की कैटेगरी में भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा है इन्वायरमेंटल स्किल्स, वो चारों तरफ उसके चीजें जो घटित हो रही हैं उस पर उसकी क्या रिएक्शन है, क्या उसमें से सीख पाता है। और एक है मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स में भी दो है, एक फाइन मोटर डेवलपमेंट है, एक लार्ज मोटर। फाइन मोटर में बच्चा पेंसिल पकड़ता है, लिखना सीखता है, रीडिंग सीखता है, लार्ज मोटर में वो दौड़ना सीखता है, लिम्ब जो डेवलपमेंट है। तो ये बेसिकली पांच। इस टॉपिक को हम थोड़ा समअप करते हैं सर जी, कि जब हम बच्चे के लिए स्कूल ढूंढे जी तो हम मिनिमम क्या देखें एक स्कूल के अंदर, हमें समझना चाहिए कि एक स्कूल में क्या क्या हो कि मैं अपने बच्चे को वहां भेज सकूं। नंबर वन, प्लेग्राउंड जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए जी, ताकि वो फुटबॉल खेल सके, वो खेले, दौड़े, भागे जी। सेफ्टी कि आपका बच्चा दौड़ रहा है, भाग रहा है। नंबर तीन, हर क्लास में कितने बच्चे हैं, ये नहीं है कि 50-60 बच्चे हैं और एक टीचर है या दो टीचर है। रेशो, टीचर स्टूडेंट रेशो वो जरूर होना चाहिए। टॉयज आपके उस स्कूल में आप ये देखो कि वो पैक्ड है क्या पॉलिथीन में। नीट एंड क्लीन स्कूल है, टॉयज पैक्ड है, इट मीन्स दे आर नॉट यूज, बच्चे उनको यूज नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ाई सबसे लास्ट में देखूंगा अपने हाँ। अच्छा, पढ़ाना भी है क्योंकि पढ़ाई तो बातें हैं, पहले प्लेग्राउंड आ गया, उसके बाद टॉयज आ गए हैं, उसके बाद रेशो आ गया, तो पढ़ाई मुझे किस मतलब पढ़ाई तो आपको पता है, आपको पढ़ाई हर पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए हुए हैं कि 18 से पहले लाइसेंस नहीं बन सकता, वोट नहीं डाल सकते, 21 से पहले शादी नहीं हो सकती। ऐसे ही उन्होंने एक पैनल बनाया है और उस पैनल ने वो जो बुक्स डिसाइड करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो वो सबके घर में है, हर मोबाइल में है, गूगल करो और आप उसमें देखो कि फर्स्ट ऑनवर्ड्स मेरे बच्चे को क्या सीखना चाहिए। उसे पेरेंट्स को ही डिसाइड करना चाहिए कि मेरे बच्चे को ये पढ़ाना है, आपको इससे ज्यादा मत पढ़ाना। पेरेंट्स को ही रेशो रखना चाहिए कि नर्सरी में ये जो मेरे बच्चे को फर्स्ट में 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए और लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए इनफ। तो उसको हम 3 साल में कैसे डिवाइड करें, पेरेंट्स ही स्कूल में बताएं
कि मेरे बच्चे को नर्सरी में सिर्फ इतना ही पढ़ाना, एलकेजी में इतना, और पेरेंट्स को इतना राइट होता है? पेरेंट्स को ही राइट होता है, पेरेंट्स को अपने राइट्स पता ही नहीं है, इसलिए स्कूलों की मनमानी है। सारे स्कूल इसलिए मनमानी करते हैं, स्कूल्स के ऊपर कॉम्पिटिशन्स हैं, प्रेशर है कि बच्चा मेरे पास एडमिशन आ जाए, मैं ज्यादा पढ़ाऊं। जिस दिन पेरेंट्स अवेयर हो गए, उनको अपने राइट्स के लिए जागरूक हो गए, तो स्कूल्स की मनमानी चलेगी नहीं। तो इसका मतलब पेरेंट्स का काफी बड़ा रोल है अपने बच्चे की एजुकेशन सेट करने में। बिल्कुल। एक्चुअली मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहूंगा कि स्कूल जो है वो बच्चों के लिए बने हैं जी, और अब धीरे धीरे अपने देश में ये चीज पकड़ कर रही है, चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल, चाइल्ड सेंटर है। हमें अपने जमाने की बात करें तो जो ब्लैक बोर्ड के आसपास का एक एरिया था, 20% एरिया में टीचर्स 90% अपने जीवन, क्लासरूम का जीवन वहां पे बिताया टीचर ने जी। किसी की पिटाई भी करनी होती थी तो टीचर बच्चे को बुला के, अपने पास बुला के थप्पड़ मार के वापस भेजता था। यस जी, वो चाइल्ड सेंट्रिक नहीं था। आज हालांकि काफी सारे स्कूल्स इसको अडॉप्ट कर चुके हैं कि टीचर्स मूव करती है बेंचेस के बीच में, पीछे तक जाएगी, बच्चों को भी रोटेशन से बिठाएंगे जी। बच्चा कोई चीज पूछेगा तो बेसिक टीचर बच्चे के पास पहुंच के उसकी प्रॉब्लम पूछती है, सुनती है। ये चाइल्ड सेंट्रिक है। यहाँ पे मैं एक चीज खास तौर से उठाना चाहूंगा इस मंच से, चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल है तो बच्चे के लिए जो प्रेफरेंसेस हैं, बच्चे की कन्वीनियंस के हिसाब से, बच्चे की लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से, बच्चे की लर्निंग एज के हिसाब से वो प्राइमरी चीज होनी चाहिए। जबकि काफी सारे स्कूल्स अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं, वो चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल मुझे नहीं लगता। अब बार बार ये बात उठ रही है कि पढ़ाएं कब, कितना पढ़ाएं। फॉर्मल एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड से शुरू होती है, इनफॉर्मल नर्सरी शुरू होती है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी। इसके लिए सीबीएसई ने आईसीएसई ने कोई सिलेबस डिजाइन नहीं किया हुआ, ये मनमर्जी है। लेकिन जब एक ये चीज है कि ग्रेड वन में बच्चे को 100 तक काउंटिंग आए, फिर बच्चे को 200 तक और 400 तक और 500 तक और इवन 1000 तक काउंटिंग सिखा के हम क्या प्रूव करना चाहते हैं स्कूल्स? सर बातों का सिलसिला चलता रहेगा, क्यों ना बीच में गाना सुन लिया जाए। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एग्जाम का जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होना चाहिए और एनसीईआरटी के रूल्स क्या कहते हैं इस बारे में? जापान को एक अच्छे मॉडल के तौर पे देखा जाता है एजुकेशन के हिसाब से। जापान में 10 साल से पहले कोई एग्जाम नहीं होता, 10 इयर्स यानी ऑलमोस्ट ग्रेड 5, 4 प्लस के बाद, 4 ग्रेड के बाद वहां पे कंटिन्यूस इवेल्युएशन चलते रहते हैं कि बच्चा एक पर्टिकुलर टॉपिक में लैग कर रहा है, एक पर्टिकुलर चीज में वो ठीक नहीं कर रहा है। तो टीचर्स एक्टिविटी बेस वो चीजें डिजाइन करती हैं कि ये वाला एक गैप है उसका वो कवर हो जाए, बिना बच्चे को ये चीज एहसास कराए कि तू इसमें फेल हो गया या तुमने ये नहीं किया या ये नहीं किया। एग्जाम अपने यहाँ पे आमतौर पे क्या होता है, मैं कई बार देखता हूँ कि एलकेजी के यूकेजी के भी पेरेंट्स मिलते हैं कई बार मार्केट में या पार्क में, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम बच्चे के लिए एक हुआ हो गया, कोई भूत प्रेत से कम छोटी चीज नहीं रहेगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जब एग्जाम डेज होते हैं तो क्या है कि टीवी बंद, घर के रिश्तेदारों के पास आना जाना बंद, और कर्फ्यू लगने जैसा एक वर्ड आप कह सकते हैं, कर्फ्यू लग जाता है जी। तो एग्जाम जो ग्रेड वन में है या ग्रेड फोर में है, बच्चे को सारा सब कुछ आता है, तो भी उसको प्रेशर इसलिए है कि वो प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा है, उनकी शक्लें बन जाती है, पेरेंट्स की टेंशन वहां होती है, बच्चे तक वो पास हो जाते। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स के लिए स्कूल खुलना चाहिए जहाँ पे वो थोड़ा सा सीख सके बच्चों को कैसे पालना है? जब हर चीज के लिए है, टीचर बनने के लिए हम बीएड करते हैं जी, और लाइसेंस भी हमें पहले ड्राइविंग सीखनी होती है तब लाइसेंस मिलता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स बनने से पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छा पेरेंट्स कैसे बने। बहुत बढ़िया। और उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, कोई एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए जी, ये साइकोलॉजिकली ये मार्क्स उसने अचीव किए हैं पेरेंट ने, नाउ ही इज एलिजिबल टू बी ए पेरेंट। अच्छा एक और बात, हम एग्जाम भी कर रहे हैं तो एग्जाम होते हैं तो फेल भी होते हैं बच्चे, फेल होने के मायने क्या है? क्या फेल बच्चे का मतलब ये होगा कि वो ही इज गुड फॉर नथिंग? क्या मैं ऐसा समझता हूँ कि बच्चे फेल नहीं होते, या तो टीचर फेल होते हैं और या माँ बाप फेल होते हैं। जब कॉन्सेंट्रेट हो गया सर, थोड़ा सा डाइल्यूट कीजिए। जब आप, हम सालों साल से एक चीज को बार बार सुनते आए हैं कि बच्चे में बहुत पोटेंशियल होती है जी। बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, हमारे पूरे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है। तो ऐसी क्या चीज होगी कि कोई मामूली से एग्जाम में बच्चा फेल हो जाता है? तो इसमें अभी आपने एक और जिक्र किया था कि पेरेंट्स के लिए भी स्कूल होने चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में काफी सारे ऐसे स्कूल हैं जो पेरेंट्स के लिए, खासतौर से मदर्स के लिए रेगुलर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या हमारे हिसार में भी ऐसा कुछ है? हाँ, अपने स्कूल में भी ये कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया 6-7 साल पहले से। उसमें साल में हम एक क्लास वाइज मदर्स वर्कशॉप करते हैं, जैसे ग्रेड वन एक बार अप्रैल में करेंगे,
अगले 6 महीने आपका बच्चा क्या क्या सीखेगा, उसके लिए क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, आप क्या क्या करोगे और हम क्या क्या करेंगे, और आपको क्या क्या नहीं करना है और हम क्या क्या नहीं करेंगे, तो हम डूज एंड डोंट्स डिस्कस करते हैं। सिलेबस पेरेंट्स के लिए डिसाइड होता है? नहीं, सिलेबस सिलेबस पे भी हम बातचीत करते हैं कि आपका बच्चा क्या क्या सीखेगा, उसके अलावा उसके डे टू डे बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं, जैसे जैसे एज चेंज होती है तो बच्चे के बिहेवियर भी चेंज होते हैं। 2 साल के बच्चे की अलग समस्याएं होंगी, 6 साल के बच्चे की अलग समस्याएं, टीनेज में जाएगा, 14 साल में जाएगा तो उसकी बिल्कुल अलग समस्याएं होती जाएंगी। तो पेरेंट्स को अपडेट करने के लिए हम इस किस्म की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा सर, एक और बात है, बहुत बार पेरेंट्स से बात होती है तो वो हर बात के लिए पल्ला झाड़ देते हैं कि वो तो टीचर, एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम है पेरेंट्स में कि हर बात के लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ तक सही है, पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चे को पढ़ाने में, एजुकेट करने में, और कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको खुद देखनी चाहिए, कितना वक्त एक पेरेंट को लगाना चाहिए? पेरेंट्स का रोल ऐसा है, 6 घंटे के आसपास बच्चा स्कूल में रहता है, या तो हॉस्टल स्कूल हो, 24 घंटे बच्चा स्कूल में है तो फिर स्कूल रिस्पॉन्सिबल है हर चीज की। ये प्रॉब्लम आपके साथ जाती होगी, एक हर एक पेरेंट जो है वो टूथब्रश नहीं करता है जी, तो बताइए टीचर क्या करें, वो खाना नहीं खाता है। ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो ये बोलते हैं कि सर वैसे है तो ये हमारा काम, बट मेरा मन करता है कि शाम को जो पार्क लेने वाली ड्यूटी है ना वो भी स्कूल ही कर दे। हमारे साथ भी आती है, लेकिन हमारे साथ बहुत कम आती है, क्योंकि जो रेगुलर मदर्स वर्कशॉप होती है उसमें वो पेरेंट्स अलाइन कर लेते हैं। मैंने मदर वर्कशॉप बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मदर्स के लिए है, वो उसमें पापा भी आते हैं जी, ठीक है, वो अलाइनमेंट स्कूल के साथ उसमें हो जाती है। मैं ऐसे काफी स्कूलों से एसोसिएट हूँ जहाँ पे जैसे पेरेंट्स को हम ये बोलते हैं कि आप बच्चे की कोई हेल्प नहीं करना, ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको, बिल्कुल होमवर्क में बच्चे की हेल्प नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे की मम्मी छोटी छोटी चीजों में हेल्प करती है तो बच्चा वहां से डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद स्ट्रगल करके उसको जीतने का मौका मिलना चाहिए। यदि वो बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाता है, बिल्कुल असफल हो जाता है, तब भी मम्मी पापा को बीच में आना चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ऑफिस में जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए, विजिट के लिए, तो बच्चा थोड़ी देर हमारी बड़ों की बात सुन के बोर हो जाता है, तो वो बाहर जाने के उसका मन होता है, बोलता हूँ चलो चले जाओ बाहर, तो जो दरवाजा है वो बाहर की तरफ पुश करके खुलेगा, बच्चा उसको 3-4-5 बार अंदर खींचता है। पेरेंट्स को मैं इशारा कर देता हूँ कि आपको कोई हेल्प नहीं करनी, 3-4-5-6 कई बार 7-8 वो खींचता है, नहीं खुलता है, फिर एक आध बार देखता है, हम इशारा करते हैं कि हेल्प योरसेल्फ, फिर वो बाहर की तरफ धक्का देके देखता है, वो ट्राई करता है, एरर एंड ट्रायल, तो जैसे धक्का देता है वो खुल जाता है, फिर वो पलट के एक लंबी सी स्माइल देके जाता है, वो विनिंग स्माइल है, अचीवमेंट की स्माइल है, और ये अचीवमेंट की स्माइल 4 साल के बच्चे को वो खुद अपने शॉक्स पहनता है वहां से भी मिल सकती है, अपना बैग अपने आप पैक करता है वहां से भी मिल सकती है। तो डे टू डे में पेरेंट्स को बच्चे की जितनी वो हेल्प करते हैं, यदि वो विड्रॉ कर लेंगे तो एक डिपेंडेंट के बजाय बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट बच्चा तैयार हो जाएगा, और ऐसे बच्चों को मेरा ऐसा मानना है कि कभी ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, स्कूल में हमने एक बिल्कुल क्लियर पॉलिसी बनाई हुई है, बच्चों के होमवर्क में कोई हेल्प नहीं करोगे और हमारे बच्चे कभी भी ट्यूशंस नहीं पढ़ेंगे। आजकल इंटरनेट, गूगल हर पेरेंट के लिए बहुत बड़ा सोर्स है कि बच्चे ने सवाल पूछा और वो गूगल पे टाइप किया, और जी कितना सही है कितना गलत है ये बच्चों के फायदे का सवाल नहीं है, कम से कम बच्चों का फायदा इससे नहीं होता कि हर सवाल का जवाब उनको तुरंत मिल जाता है। जैसे बच्चे ने कोई सवाल पूछा और हम उसको तुरंत जवाब देते हैं तो उसकी अपनी थिंकिंग हैम्पर होती है, तो होना ये चाहिए कि या तो पेरेंट्स उस चीज को बोले कि आप बताओ इसका क्या जवाब होगा, आप क्या सोचते हो ये क्या होगा, वो बच्चा उस पे सोचता है, उल्टे पुल्टे जवाब देता है, नियर बाय क्लोज एस्टिमेशन पे काम करता है बच्चा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। तो या तो इस तरीके से हो, या फिर यदि पेरेंट्स को बताना ही है तो इंटरनेट की बजाय हार्ड कोर जो बुक्स होती है, इंसाइक्लोपीडिया है, उससे वो चीजें ढूंढनी चाहिए कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके ढूंढते हैं, बच्चे ने कोई चीज पूछी तो पापा और बेटा या बेटी मिलके ढूंढ रहे हैं, इन्वॉल्व करें, उससे बच्चे का रीडिंग की तरफ एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि एक वर्ड ढूंढने के लिए वो बहुत सारे पिक्चर्स के थ्रू जाता है, वो चीजें देखता है, रास्ते में रुक जाता है, ये क्या है, कोई बड़ा सा आई का पिक्चर है उसमें, तो आई कैसी है, ये है, तो उस तरीके से बच्चा पढ़ने के करीब आता है, सीखने के करीब आता है, थिंकिंग डेवलप होती है उसकी। मुझे बड़ा मजा आ रहा है सवाल पूछने में, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो एक और सवाल है मेरा कि इंग्लिश आजकल बहुत ट्रेंड है कि बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है तो वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, क्या कॉन्सेप्ट पे लैंग्वेज भारी हो गई है? एक्चुअली आनंद साहब, इंग्लिश एक मीडियम है, साधन है, साध्य नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या बना दिया है,
एक सब कुछ इंग्लिश ही बना दिया कि सब कुछ वही है। तो एक रूट है कंटेंट सीखने का, लिटरेचर सीखने का, अपने ब्रेन स्टिमुलेशन का और सैकड़ों हजारों चीजें सीखने का दुनिया में जी। लेकिन इंग्लिश को पेरेंट्स भी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन सच ऐसा ही है, पेरेंट्स और टीचर्स ने मिलकर बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दिया है लैंग्वेज के नाम पे, इंग्लिश के नाम पे। इससे भी ऊपर बात यह है, जब कोई फॉरेनर आता है मान लो अमेरिका से और वो हिंदी के टूटे फूटे शब्द बोल के अपनी चीज एक्सप्रेस करता है तो हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ उसको हिंदी आती है, गुड। हम जब बाहर जाते हैं विदेशों में, हम अपनी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल के खराब इंग्लिश, खराब प्रोनाउंसिएशन जो भी यूज करते हैं वो बहुत इंप्रेस होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वो कम्युनिकेशन है, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या सुनना चाह रहा हूँ, क्या समझा पा रहा हूँ एक्सप्रेस करने का अपना आइडियाज को। लेकिन अपने ही देश में काफी ऐसे टीचर्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी जाएंगे, करेक्ट ग्रामर पे भी जाएंगे, करेक्ट स्पेलिंग पे भी जाएंगे, इस किस्म से बच्चे पे अनड्यू प्रेशर हो जाता है। और वो जो मैंने वही बात की कि कॉन्सेप्ट पे लैंग्वेज भारी हो गई है कि कॉन्सेप्ट कहीं गुम हो जाता है इसमें, हो ही गया वो बच्चा इंग्लिश से ना वो हेट करने लग जाता है। बार बार जो रेड होते हैं बच्चा या तो इंग्लिश बोलता है सही नहीं बोल पाता, और जब वो सही नहीं लिख पाता, जब टीचर चेक करती है तो इतने सारे रेड सर्कल्स देख के जो उसको लैंग्वेज के लिए प्यार था वो भी पीछे हट जाता है। सर आखिरी में एक पीटीएम चल रही है जिसमें आप टीचर हैं और मेरे सारे लिसनर पेरेंट्स हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी पेरेंट्स को? पीटीएम में जो पेरेंट्स 1-2-3 मिनट लगाते हैं टीचर के साथ जी, मैं समझता हूँ वो अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। हमारा अपना भी एक्सपीरियंस ऐसे ही है, जो पीटीएम में बहुत देर तक टीचर से इतने सारे सवाल पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं, मैं समझता हूँ अपने बच्चे से काफी दूर हैं। उनको अपने बच्चे के करीब आके उसको समझना चाहिए, उसके साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। पीटीएम में ये पूछना कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, ये काफी बेमानी है। हर माँ बाप को पता होता है मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, हर टीचर को पता होता है मेरा बच्चा कैसा। बहुत खूबसूरत सर, आप हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।